हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक रेसिपी से रिलेटेड ट्रांसलेशन। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 कप पानी लें, उसमें आलू डाल दें, राइट? तो 4 कप पानी लें, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे जो रेसिपी वाले जितने भी होती हैं ट्रांसलेशन, वो हमारी वर्ब से स्टार्ट होती हैं। तो टेक टेक लें 4 कप ऑफ वाटर वाटर 4 कप पानी लें, आलू उसमें आलू डाल दें। डाल दें मतलब पुट पुट रख दें या डाल दें। क्या डाल दें? पोटैटो, राइट? पोटैटोस डाल दें। किसमें? इन इट। इन इट किसमें आया है? उसमें डाल दें, उसमें, राइट? उसमें नमक छिड़कें, उसमें नमक छिड़कें। तो छिड़कने की स्पेलिंग होती है स्प्रिंग, राइट? साल्ट मतलब नमक, नमक छिड़कें इन इट उसपे, और उबलने दें। एंड एंड लेट इट बी, लेट इट बी का मतलब होता है छोड़ दें या फिर उबलने दें। आलू को आप अपने हिसाब से चौड़ा रख सकते हैं, रख सकते हैं मतलब कैन, यू कैन कीप, कीप का मतलब होता है रख सकते हैं, रखना, रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? द पटाटोस, पटाटो मतलब आलू को, पटाटोस एज वाइड जितना चौड़ा, एज वाइड जितना चौड़ा, एज यू जितना तुम चाहते हो उतना चौड़ा तुम आलू को रख सकते हो, यू वॉन्ट, राइट? जब पानी में उबाल आ जाए, वेन 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 द वॉटर द वॉटर वॉइल्स, वॉइल्स मतलब होता है उबाल आ जाए, राइट? उबल जाए, तब क्या करें? आ जाए आलू को उसमें ही छोड़ दें, उसमें ही छोड़ दें। छोड़ दें मतलब लीव 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 द, किसको छोड़ दें? पटाटो, आलू को, राइट? आलू को छोड़ दें। इन इट उसमें, इन इट आ रहा है उसमें, जो भी चीज़ आपकी बन रही है उसी में छोड़ दें, छोड़ दें, और गैस को बंद कर दें। एंड एंड और टर्न टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर दें द गैस। किसको बंद करना है हमें? गैस को बंद कर दें। नाउ अब आलूओं को 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, छोड़ दें, तो वही लीव लीव छोड़ दें। द पटाटोज लाइक जैसे, लाइक दिस फॉर 52 6 5 to 6 मिनट 5 to 6 मिनट्स। दोबारा देखो, यू कैन कीप, तुम रख सकते हो द पटैटोज आलू को एज वाइड उतना चौड़ा, एज यू वॉन्ट जितना तुम चौड़ा चाहते हो। वैन द वॉटर वॉइल्स जब पानी उबल जाए, लीव द पटैटोज आलूओं को छोड़ दो, इन इट उसमें, एंड टर्न ऑफ द गैस और गैस को बंद कर दो। नाउ अब लीव द पटैटोज लाइक दिस, अब इस तरह से ही आलूओं को छोड़ दो लगभग 5 से 6 मिनट। नमस्कार मित्रों, मित्रों अगर आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करना चाहते हो, अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना तीनों सीखना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए तैयार किया है द कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश मास्टरमाइंड बैच, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ABCD से बिल्कुल शून्य से शुरुआत करूंगा और साथ में सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप, डेमो वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। आलूओं का पानी निकाल कर उन्हें टिश्यू पेपर या एक सूखे कपड़े पर रखें, राइट?
तो पानी निकाल कर मतलब ड्रेन द पटाटोज, ड्रेन ड्रेन द पटाटोज, पटाटोज एंड और आलू को निकालने, प्लेस प्लेस देम और उनको क्या कर दें, प्लेस देम ऑन आ टिश्यू, टिश्यू पेपर। दोबारा देखो, आलूओं का पानी निकाल कर उन्हें टिश्यू पेपर या एक सूखे कपड़े पर रख दें, पूरा बना दें, फिर हम समझते हैं। और आ ड्राई क्लोथ, सूखे कपड़े पे। ड्रेन द पटाटोस, आलू का पानी निकाल दें एंड प्लेस और उन्हें रख दें, दैम उनको ऑन टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर पे और ड्राई क्लोथ या फिर एक सूखे कपड़े पे। इन्हें सूखने दें, इन्हें सूखने दें, लेट देम ड्राई, लेट देम ड्राई, इन्हें सूखने दें। आइए आगे देखते हैं। तेल गर्म करें और उसमें एक एक करके आलू के टुकड़े डाल दें, राइट। तेल गर्म करें, ये हमारी वर्ब हो गई, हीट ऑयल, हीट ऑयल, तेल गर्म करें एंड और ऐड द पटाटोस, पटाटोस को डाल दें या फिर ऐड कर दें, राइट। पटाटो पीस, पटाटो के जो टुकड़े हैं उनको ऐड कर दें, क्योंकि अब पटाटो नहीं, पटाटो के टुकड़े होंगे, राइट। एक एक करके डाल दें, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक करके। इस बात का ध्यान रखें, मेक श्योर, मेक मेक श्योर, श्योर क्या ध्यान रखें कि कढ़ाई में इतनी जगह हो कि आलू एक दूसरे से चिपके ना, राइट। दैट की देयर इज इनफ, इनफ इनफ सॉरी, इनफ की स्पेलिंग गलत है, इनफ स्पेस क्या हो, ज्यादा जगह हो या इनफ स्पेस हो, इन किसमें, कढ़ाई में, इन द पेन, इन द पेन, कढ़ाई में अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, ताकि ताकि आलू जो है वो अच्छे से चिपके ना, मतलब चिपके नहीं, राइट। सो दैट द पटाटोज, द पटाटोज, पटाटो डू नॉट स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपके ना, और किससे नहीं चिपके, टू ईच अदर, टू ईच अदर, राइट। आंच को मीडियम कर दें और आलूओं को तब तक पकने दें जब तक वह ब्राउन ना हो जाएं, आंच को धीमी कर दें, मतलब रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कोई चीज कम कर देना, रिड्यूस द फ्लेम, रिड्यूस द फ्लेम, आग को धीमा कर दें, धीमा कर दें मतलब टू मीडियम, रिड्यूस कर दें आग को किसमें, मीडियम में, मीडियम कर दें। एंड और आलूओं को तब तक पकने दें, एंड लेट द पटाटो कुक, पकने दें अंटिल जब तक दे टर्न ब्राउन, जब तक वो क्या ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, दे वे टर्न मतलब बदल ना जाए, टर्न ब्राउन, राइट। आलूओं को तेल से बाहर निकालकर टिश्यू पेपर पर रख, पर एक साइड पर रख दें, राइट, एक साइड रख दें। टेक द पटाटोज, टेक टेक द पटाटोज आउट, मतलब टेक मतलब निकाल दें, आउट बाहर, किसको, आलूओं को, आउट ऑफ द ऑयल, ऑफ द ऑयल,
टिश्यू पेपर पर एक साइड रख दें एंड और कीप रख दें देम उनको एक साइड अ साइड एक साइड रख दें। और किस पे रख दें? ऑन द टिश्यू पेपर पर रख दें, और ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑयल कैन ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है निकल जाए, राइट? जैसे वहां हमने आलूओं का पानी निकाला था, इसी तरह से एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, इस वजह से हमने कट कर दिया। ये और वो वाला सेम है, अब इसको देखते हैं। सर्व करने से कुछ देर पहले शॉर्टली शॉर्टली बिफोर सर्विंग, सर्विंग का मतलब होता है सर्व करना या रखना। शॉर्टली कुछ समय पहले, इन्हें तेज आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, राइट? तो फ्राई करें, FRI, फ्राई देम, इन्हें फ्राई करें ऑन हाई फ्लेम, तेज आंच मतलब हाई फ्लेम, अंटिल जब तक वे टर्न बदल ना जाए गोल्डन, इसमें ना बदल जाए गोल्डन ब्राउन, जब तक वो गोल्डन ब्राउन में बदल ना जाए। एंड सर्व, फिर इन्हें क्या करें? सर्व करें, एंड सर्व, और इन्हें सर्व करें। तो ये थी हमारी एक डिश के ऊपर वीडियो, रेसिपी के ऊपर वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं हमें।